ओए नहीं 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 यार माशाल्लाह ये देखें जी आप, इसका स्टाइल चेक करें, होते वैसे प्लेन कलर में है लेकिन ये देखें इसके जो बाल हैं वो टांगों की तरफ से भी कर लिए हैं और ये जो इसको पुट कहा जाता है पुट वाली साइड से भी ये कर लिया है। ले जी फ्रेंड्स हाफिज़ साहब आ रहे हैं बहुत स्पीड के साथ और ये देखें इनकी शौकियाँ जी आप सब कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं आप हमें लेके चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स खैर वाफियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम हाफिज़ साहब के साथ ज़रा शॉपिंग करने जा रहे हैं जी, आप सब क्या लेने जा रहे हैं हम यार LCD लेने जा रहे हैं। LCD बच्चों के लिए कि अपने लिए लेने जा रहे हैं? अपने लिए लेनी है, बच्चे भी देखेंगे बड़े भी देखेंगे। अच्छा चले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स LCD देखने जा रहे हैं, LCD अपने साहब को देखते हैं कौन सी पसंद आती है। वैसे उस पर क्या देखना चाहते हैं आप मुझे ये तो बताएं, LCD पे देखने का टाइम होता है? इतना टाइम तो कोई नहीं होता लेकिन बच्चे तो देखेंगे ना घर में, तो कोई ना कोई तो देखेगा। ये बात भी सही है, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, शबीर तो देखेगा। क्या लग रहा है? नहीं जी मुझे लग रहा है ये शेख साहब का बेड़ा है जी, शेख साहब उधर बैठे हुए हैं। इधर आओ ना, इधर आओ। ये किसका खोल के लाए हो? माशाल्लाह अथरा है। हाँ जी जी मैं देख रहा था जी, कितने का है शेख साहब? ये घर का ही है, घर का ही है, घर में पाला बचपन से। हाँ जी जी जी, जी शेख साहब बताएं जरा ये कितने का है? शेख साहब क्या खिला रहे हैं? सुबह मारा आपको किसी ने? नहीं ये तो बड़ा उछल उछल गया। ओए नहीं 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 ऐसे नहीं करना, आपको मारा है? आपको नहीं बेटा, आपको बजने वाला था बच गया बेटा, आपकी मेहरबानी है, अपना ख्याल रखना माशाल्लाह जी। अब पता क्या मलकू राजा, इसका नाम क्या नाम है? मलकू राजा, मलकू राजा। इसको इनको 2-3 माह या 4-5 माह पहले से लिया हुआ है, 4-5 माह से लिया था यार। तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि कितना क्या है, और माशाल्लाह ये देख सकते हैं नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है। और इसका क्या इसका नाम? मलकू राजा, मलकू राजा। बस 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 वो देखो, देखे यार ये शेख साहब का इन्होंने टोपस डाला है। ये टैग होता है, ये ना टैग होता है, टैग होता है माशाल्लाह यार। ये आप सब कितने का होना चाहिए यार, कोई अंदाज़ा बताए ना आप भी। पौने दो का यार ये शेख साहब का, तो ये 50-60 हज़ार का होना चाहिए जी शेख साहब। मुफ्त इसमें कोई शक नहीं है बेटा, मैं ले जाऊंगा, मुझे नहीं कुछ कहेगा इंशाल्लाह। हाँ आपको यकीनन इससे मार पड़ी है इस वजह से, हाँ यही बात है, उसके बाद फिर हम लेंगे। क्यों शेख साहब ऐसे ही ये गुस्से वाला है, ये आपको टूट पड़ा है इस वजह से आपका ऐसा मुंह होगा, सो के उठे होते दिमाग थोड़ा सा आउट हो जाता है। यार ये ना फ्रीजन है, फ्रीजन समझते हैं ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं ना ऑस्ट्रेलियन। इधर देखना इस बच्चे के पापा ने, अच्छा जी इसके वो देखो उसका आपस में अभी सर लगा है, चलो उससे फिर मैं पूछ लूँगा। नो डाउट यार हाफ साहब, नहीं इसको बार बार नहीं छेड़ो यार, वो देखो मारने की कोशिश करता है फिर ये। बस 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 बेटा इससे ना जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा ये। आप दोपहर में इसको कहाँ लेके गए थे? पार्क में लेके थे यार, ये मारने वाला है तो इसको पार्क में नहीं लेके जाना चाहिए यार। इसको ना हमने उधर हमने कहा जरा घूम ले, थोड़े पैर खोल ले, पैर खोल ले। सुबह का आया बस सफर करके यार। कहाँ पे बांधा हुआ था पहले ये लेके? ये पहले वो पीछे दूची है ना, यही होना की दुकान उधर बांधा हुआ जी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं नाइट मंडी में, तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी बकरों की, और वहाँ उस टाइम यहाँ पे सारे मक्खी चीना बकरे थे, लेकिन आज माशाल्लाह यहाँ पे इनके पास और भी बकरे मतलब 2-3 हैं, जैसे कि ये काला है और बाकी मक्खी चीने ने। मक्खी चीने की ये खासियत है कि वो सारे एक जैसे लगते हैं आपको,
और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं आप मक्खी जीना, ये देखें वाइट ब्राउन शेड है जी फ्रेंड्स। माशाल्लाह नो डाउट यार, कलर बहुत ही ज़बरदस्त कलर है इनका माशाल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको जब ये शेख साहब ने लाएंगे ना, इसको फूल वगैरह बनाएंगे हाँ, तब इसकी ज़रा लुक जो है वो थोड़ी हटके हो जाएगी, क्योंकि अभी बेचारा आया है किसी गांव से आया, तो इस वजह से इसका ज़रा थोड़ा सा मैल शैल चढ़ा हुआ है। जब ये नहला देंगे इसको, लेकिन नहलाने के टाइम इनको जब मार पड़ेगी ना, वो अलावा इनको बचाए क्योंकि ये मारने वाला है, तो थोड़ा सा पीछे होकर खड़ो यार इसे, क्योंकि वो आपको मारने दे। तो आप ये आपके पापा लेके आए हैं, तो आपको बताया ही नहीं कि कितने का लेके आए हैं? नहीं बताया, 1.5 लाख। ये बोला है सही, ये सही बोला है। अच्छा नाम क्या इसका बताया था आपने? मलकू राजा। मलकू हमने बच्चा लिया था उधर पाला। अच्छा अच्छा, रमजान से पहले बच्चा लिया था और रमजान के अंदर अंदर इतना बड़ा हो गया। और ये भी देख सकते हैं, ये माशाल्लाह सारे ही तकरीबन 19-20 के फर्क में हैं वजन के हिसाब से, लेकिन माशाल्लाह नो डाउट ये खूबसूरत और देसी बकरे हैं जी। तो फ्रेंड बिल आखिर हमें ये पहाड़ी बकरे भी मिल गए हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि पहाड़ी बकरे माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत सींगों वाले, ब्राउन और वाइट इनका कलर है। और मैं आपको इनका साइज़ चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना ही लो प्राइस वाले, मुनासिब कीमत में और माशाल्लाह अच्छे और ख़ूबसूरत गुत्थे हुए बकरे आप देख सकते हैं। फार्म के ये बकरे हैं और पक्की ठट्टी चौक में ये मौजूद हैं इस टाइम। तो जो भाई हैं इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे जिन भाई को। ये देखें यार सबसे खूबसूरत ये वाला बकरा है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है लाइट ब्राउन और वाइट कलर में, और वो भाई बता रहे कि एक पीछे वाइट कलर में भी है, तो उसका भी हम पास जाके रिव्यू लेंगे। और ये देखें जी भाई चोखा डालने आए थे, बकरे हैं बेसब्रे और उन्होंने शॉपर दिया फाड़। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इनको पास जाके एक एक करके। ये देखें आप, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इंतहाई यार ये खूबसूरत और मुनासिब है ये। और ये देखें ये देखें ये देखें, चारे के लिए एक दूसरे के साथ लड़े हैं। और ये खूबसूरत सींगों वाले बकरे, जो लोग सींगों वाले बकरे पसंद करते हैं, कुछ बच्चों को सींगों वाले बकरे पसंद होते हैं। और ये देख सकते हैं ये हैं, और चलते हैं वो वाला जो बड़ा बकरा है उसके पास जाते हैं। और ये यकीनन राजनपुरी बकरा है यार, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह सेहतमंद और ख़ूबसूरत बकरे, और ये प्योर ब्राउन में है और ये वाइट ब्राउन में, और इसी के साथ साथ ये भी डील चल रही है। और हम आपको दिखाते हैं दूसरी साइड से ये वाला बकरा जिसका सौदा हो रहा है माशाल्लाह। ये प्योर देसी बकरे हैं, इनकी ये खासियत होती है कि माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और अट्रैक्शन वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट मक्खी चीना, ये फैसलाबादी भी इसे कहा जाता है, और ये मदरसा मंडी के माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि इस टाइम नया जो माल आया है वो ये वाला है। तो भाई से जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, किस रेंज वाले आए हैं अब ये नए बकरे आपके? 72। ज़बरदस्त। ये जी फ्रेंड्स लास्ट टाइम से रेट थोड़ा कम हुआ है, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह बकरे जो हैं ये माशाल्लाह माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत। इस बकरे की आप वेल चेक करें और इसकी हाइट चेक करें आप, और इसकी जो शाइनिंग है वो मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि रात में भी ये शाइन कर रहे हैं, और इन बकरों की खूबसूरती ही यही है कि ये बकरे बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इंतहाई शरीफ पसंद। ये देख सकते हैं अपने अपने गांव में लगे हुए हैं। और ये ब्लैक वाला आप देखें क्या ही खूबसूरत बकरा है ये, ठीक है। और फेस देखें मुझे लग रहा है ये बेचारा नाराज़ होके खड़ा, नहीं नहीं मुझे लगा चुगाली नहीं कर रहा तो शायद इसका मूड ख़राब है, लेकिन उसने साथ ही चुगाली शुरू कर दिया। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई का नंबर आपके साथ शेयर करते हैं, भाई अपना नंबर तो बताइएगा। 03224569614414। तो फ्रेंड्स आप इनसे रब्ता करके 24 घंटों में आप किसी भी टाइम आप बकरे ले सकते हैं, और बकरे नो डाउट इन 70-80 माशाल्लाह इंतहाई मुनासिब रेंज है। आप फिज़िकली विज़िट करें आपको अंदाज़ा होगा कि बकरे किस क्वालिटी के हैं। और देसी बकरे तो आपको पता ही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह पहाड़ी और सिंधी बकरों से बहुत अच्छे होते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इनकी लोकेशन है पूंछ रोड पे, ये भाई हैं। और साथ ही एक छोटा बकरा भी लास्ट टाइम आपको हमने दिखाया था, लेकिन ये फॉर सेल नहीं है, और आप विज़िट करें और भाई आपके साथ इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे।
यार माशाल्लाह ये देखें जी आप, इसका स्टाइल देख रहे होते वैसे प्लेन कलर में है, लेकिन लेकिन ये देखें इसके जो बाल हैं वो टांगों की तरफ से भी कर लिए हैं, और ये जो इसको पुट कहा जाता है पुट वाली साइड से भी ये कर लिया है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे का साइज़ देख रहे ह्यूज साइज़, लॉन्ग वेल और लॉन्ग हाइट में ये माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देखें भाई के सीने पे इसका सर आ रहा है, लेकिन अभी इसने सर पूरा नहीं उठाया, पूरा उठाएगा तो ये देख सकते हैं आप भाई की गर्दन तक आ रहा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड से कि प्योर वाइट और पिंक कलर में ये बकरा है। और अगर आपने इसको फिज़िकली देखना है तो पक्की टट्टी सन्नाबाद चौक में ये मौजूद हैं। तो भाई का नंबर हम पहले तो हम इनकी प्राइजेस लेते हैं, प्राइजेस के बाद फिर भाई का नंबर आपके साथ करेंगे शेयर। ये कितने का भाई? डेढ़ लाख रुपया लें जी। नो डाउट यार बकरा जिस हिसाब का बकरा है ना, डेढ़ लाख रुपये मांग रहे हैं। और ये आप आम दिनों में लेंगे ना फॉर ब्रीडिंग तो ये दो दो लाख रुपया, ढाई ढाई सवा दो दो लाख रुपया लोग मांग लेते हैं ब्रीडिंग के लिए। लेकिन ईद पे आके इनकी प्राइस कम हो जाती हैं, क्योंकि ये होते हैं आंडल और इस वजह से लोग इनकी प्राइस कम देते हैं और डिमांड भी इनकी कम होती है। अगर ये होता खसी तो खसी होता तो ये तकरीबन पौने दो दो तक होना चाहिए था। तो बाकी बकरों की भी डिमांड हम पूछते हैं कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। ये भी कुछ बकरे बैठे हुए हैं, लेकिन ये बकरे जो हैं ये माशाल्लाह खूबसूरत बकरे हैं और अच्छे बकरे हैं। अच्छा इस वाले की क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये 52। देखा ना मैं आपको बताया था कि नहायत ही मुनासिब कीमत वाले। और ये साथ वाले का इसका 60 हो गया, ठीक है। और ये ये बाकी भी 60-60 में है, वो वाला 52 में और बाकी सब ये सिंगल। ये ये तीन 52 वाले हैं और ये बाकियों से थोड़ा सा किलो दो किलो का फ़र्क होगा, बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं 60-60 इनकी डिमांड कर रहे हैं। और जिनको भी आपको समझ आए ये प्राइजेस, आपके साथ भाई का नंबर भी शेयर करते हैं, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। 0312-0312-455-2645-2645। नाम बता दीजिएगा अपना। मोहम्मद इलियास भाई। तो पक्की टट्टी चौक ये चौक है और ये बिल्कुल इसके सामने ही चौक के इनका ये अड्डा लगा हुआ है। और माशाल्लाह इंतहाई मुनासिब और ख़ूबसूरत बकरे लेने हो तो आप भाई से रब्ता कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।